6th of February 1988, was in Betul Khayal Denis and Jamaat Khanong of Toronto. Yali Madad. साजन के घर जाइए भाई साजन के घर जाइए ने साथ न लीजे को रे भाई साथ न लीजे को ये पीछे फेर ना दे सलवात पढ़ो मोमिनो अल्लाह मुहम्मद हमारे मजहब की किताबों के अंदर वो किताबें कि जो हमारे पीरों ने और हमारे पीरों की औलाद ने और हमारे बहुत से इमामों ने हमारी हिदायत के लिए लिखी हैं, अगरचे बहुत सा खजाना हम पास्ट में गुमा चुके हैं, रिकॉर्ड नहीं रहे, फिर भी आज लगभग 150 जितनी किताबें उस शास्त्र में से अभी भी मिलती हैं। इन तमाम किताबों में से आप उसकी कभी सिलेक्शन करो, ऐसी किताबें भी हैं कि जिन किताबों के अंदर हमें तवारीख मिलती है और उसके साथ हमें इस्माइली मजहब की इशायत और उसकी प्रोपेगेशन का हमें निशान मिलता है, जैसे कि पेशम्स की मन समझानी और सत्वेनी की वेल। ऐसी किताबें भी हैं कि जिनके अंदर बहुत बड़ी साइंस की चीजें हैं, फिजिक्स की और ज्योग्राफी की बातें हैं और उनके अंदर बाज ऐसी जगहों के ऊपर हमें अपने बदन की इंटरनल और आउटर मैटर्स जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, ऐसी चीजें भी हैं जैसे कि निकलन की गीता में 600 से ज्यादा हमारे पास ज्ञान हैं कि जिन ज्ञानों के अंदर अलग अलग ज्ञानों में दुनिया की बातें भी हैं, दीन की बातें भी हैं, खुदा की मोहब्बत की बातें भी हैं, दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए हमें एथिक्स सिखाए गए, मैनर्स सिखाए गए और हमें बहुत सी किस्म की हिदायतें दी गई और इन ज्ञानों के अंदर बहुत सी फोरकास्ट और प्रिडिक्शंस हैं। फिर ऐसी किताबें भी हैं जैसे कि खुदा ताला की मोहब्बत के अंदर इंसान सरशार और मस्त हो जाए और बड़ी डीप नॉलेज मिलती है, इस सदर दिन की भूख निरंजन जैसी। इबादत सिखाने के तरीकों के अंदर ये शमस का ब्रह्म प्रकाश है कि जिसके अंदर ऐसे अच्छे सटल तरीके के साथ ये शमस ने हमें इबादत की तरीके बताए। वैराग और दिल के अंदर
इस दुनिया से डिटैचमेंट सिखाने के लिए, फकीरी और मिस्टिसिज्म सिखाने के लिए, सूफी तरीका कि जिससे इंसान का दिल नरम हो जाए और अंतकरण क्लीन हो जाए, ऐसी किताबें भी हैं कि जिस तरह से ये मन समझानी, और मैंने ये पाठ उसमें से आपको सुनाया। 222 पेज की ये किताब अगर आप पढ़ें और उसको समझ भी सकें, क्योंकि इसकी जो जबान और भाषा है 500 वर्ष जूनी है, पूर्वी जबान है, हिंदी और उर्दू से मिलती जुलती है, अरबी फारसी संस्कृत वगैरह के बहुत से अल्फाज हैं, लेकिन जब हम सत्वनी पढ़ते हैं और खासतौर पर राग से पढ़ा जाए कि उसका राग भी इस तरह से सिलेक्ट किया गया है कि जो घरानी है वो प्योर भैरवी की अंदर से बाई गई। इंडियन रागों के अंदर भैरवी एक ऐसा राग है कि जो आधी रात के बाद गाया जाता है, और जब इसके साथ प्रभातिया मिक्स किया जाए सुबह के वक्त तो इंसान को बहुत मजा आता है। देखो ये नूर वेला नूर पियो करियो मन आनंद जी, ओ पवेला राखो शा पीर सो सबंद जी, तमे जागो जागो भाईड़ा रायना विहानिया जी। ये सुबह के राग हैं, मगर ये जो सत्वेनी है आधी रात के वक्त और पर्टिकुलरली सुबह की परड़ी है, ये वक्त जो अभी है कि सूरज ना निकला होवे, डे ब्रेक ना हुआ होवे, उस वक्त आप ये जो सत्वेनी पढ़ो, भले अपने घर में पढ़ो, कुछ दिनों के बाद आपके बदन के अंदर एक किस्म की इलेक्ट्रिकल शॉक लगेंगे, इतने आसान और सहले तरीके से कि आप फील जरूर करोगे, आपको एक करंट की तरह महसूस होगा, दिल नरम हो जाएगा। और इसके अंदर बड़ी हिदायतें दी गई बैतुल ख्याल की बाबत के अंदर, ये जो मैंने पाठ पढ़ा कि साजन के घर जाइए साथ न लीजिए कोई, पीछे फिर न देखें, जो होनी होए सो होए, ऐसे अल्फाज हैं, मगर इसके अंदर मानी और भेद कितना है कि बैतुल ख्याल की बैठक करने का इसमें तारीखा है। हजरत इमाम फरमाया, तुम जब इबादत के लिए बैठो तो तुम तमाम दुनिया के सब ख्यालात को बिल्कुल छोड़ दो, बंद कर दो। इसी चीज को जो इमाम का फरमान है ये इस पाठ के अंदर इस तरह बताया कि जब तुम अपने दोस्त के घर जाओ, सबसे बड़ा दोस्त तो मौला है, और इसी को गिनानों के अंदर साजन कहा गया, मौला को बालम कहा गया, मौला को प्रेमी कहा गया, मौला को बड़े बड़े नामों से याद किया गया, कहीं उसको पिया कहा, कहीं पीयू कहा, कहीं शाम कहा, कहीं शाह कहा, बहुत से तरीकों से पीरों ने अपने मौला के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। जैसा कि शाम को आवंता जो कहे ताको लाख वधाई। अब ये शाम श्री कृष्ण नहीं, संस्कृत तो नहीं, लेकिन प्राकृत में शान कहते हैं जिसको हम प्यार करें, इंग्लिश में कहते हैं बिलव्ड, जो हमारा बिलव्ड है, जिसको हम प्यार करते हैं, उसको शान कहा गया। हालांकि शान का मतलब है डार्क, गहरे रंग का, कृष्ण का एक लकब भी है,
लेकिन जहां घिनानों के अंदर श्याम का नाम आता है, वो जो इशारा है वो कृष्ण की तरफ नहीं, उसका मतलब है मोहब्बत वाला, जिसको हम प्रेम करें। श्याम तणा अभियागत आवे वीरा, तिनको मैं लागूंगी पैया, ओ जीरे भैया। जब महबूब का कोई आदमी आवे, यहां श्याम का मतलब कृष्ण नहीं, इसका मतलब है महबूब, प्यारा, प्यारे की तरफ से जब कोई आदमी आवे तो उसकी इतनी इज्जत करो, उसके पांव पड़ो। इस सारे ज्ञान के अंदर जो पिसदुद्दीन ने फरमाया, इस ज्ञान के अंदर मौला के तरफ से आने वाले जो लोग हैं उनकी किस तरह से इज्जत करनी और किस तरह से उनको ट्रीट करना, इस ज्ञान के अंदर लिखा हुआ है। तापे उठी तिने बेसन दीजे वीरा, आपे उठी तिने बेसन दीजे वीरा, सोही तमारो धर्म लिखैया, हो जीरे भैया। तुम्हारा ड्यूटी फर्ज ये है, धर्म कहते हैं फर्ज को, धर्म का मतलब रास्ता भी है। तो फिर कहते हैं तुम्हारा ये फर्ज है कि जब इस शाम का अभ्यागत, उसकी तरफ से भेजा हुआ मेहमान तुम्हारे पास आवे, उठ के उसकी इज्जत करो, उसको जगह पे बिठाओ, उसके पांव धुलाओ, उसका सिर धुलाओ, उसको अच्छा खाना खिलाओ और उसको आराम से सुलाओ और ठंडी हवा दो उसको, और उसके सामने गिनान और ईमान की तारीफ करो, जैसा कि चारो सतियों शाना मंगल गावे वीरा। चारों सतिया मौला की तारीफ करें, मोतिड़े चौक पुरैया, हो जीरे भैया। मोतिड़े का मतलब पर्ल्स नहीं, मोतिड़े छोटे फूल होते हैं जो जैस्मिन की फैमिली है, उर्दू में पाकिस्तान के अंदर इसको मोगरा कहते हैं, इसको मोतिया भी कहते हैं। तो फिर कहते हैं मोतिड़े चौक पुरैया, तुम ये खूबसूरत खुशबू वाले ये जो फूल हैं ये लेके इससे उसको बधाओ। तो इस तरह हमारे गिनानों के अंदर बेहिसाब इल्म, बेहिसाब हमारे लिए हिदायतें, बहुत से मैनर्स एथिक्स तरीके हमको बताए गए। तो साजन का मतलब है मौला, जिसको हम प्यार करते हैं, कि जब तुम मौला के घर जाओ अपने साथ किसी को मत लेके जाओ। उसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने बीवी बच्चों को मत ले जाओ, ये है मिस्टिसिज्म कि जिसमें ये कहा है कि जब मौला के घर पे जाओ, यानी कि तुम बैठ के मौला की इबादत करो, तो तुम अपने साथ किसी भी ख्याल को, दुनिया के किसी भी विचार को, दुनिया की कोई भी चीज को याद मत करो, अपने साथ उसको मत लेके जाओ, साथ न लीजिए कोई, पीछे फिर न देखिए, पास्ट में जो कुछ कर चुके हो, एक मिनट पहले, एक घंटा पहले, एक दिन पहले, जो कुछ भी तुम्हारा टाइम गुजर के अब तक आ गया, तो पास्ट की कोई भी चीज को याद मत करो, अब आगे देखो जो होने वाला है वो होवे। अपने दुनियावी ख्यालात को बंद कर दो, अपनी की हुई चीजों को याद मत करो, बीवी बच्चे माल दौलत घर दुकान मकान कुछ भी चीज है किसी को याद मत करो, अकेले जाओ। अकेले जाने का मतलब यह है कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान लगाओ, मौला ने जो तुम्हें बख्शिश बख्शी हुई है, ये जो गुरु मंत्र है, ये जो इसमें आजम है, ये बैतुल ख्याल का जो बोल है, इसके ऊपर ये बोल, हकीकत में ये बोल ही हमारा साजन है। बैतुल ख्याल का जो बोल है वो हकीकत में इमाम का नूर का नाम है, इमाम के जाहिरी नाम भी हैं, जैसे कि हमारे अली मौला अली से लेके इमाम शाह करीम सलवातुल्लाह अलैह तक, हमारे 49 इमामों के जो बदन थे
उनका भी एक नाम था ना, हजर इमाम का नाम है करीम, लेकिन ये करीम उसके नूर का नाम नहीं। अगर हम कहें कि मुस्तनसिर बिल्ला, तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के जमाने में उनके बदन का नाम था, लेकिन नूर का नाम तो कुछ और है। तो इस तरह से हजर इमाम की जो जाहरी बदन मुबारक है वो हमारे और इमामत के नूर के अंदर एक लिंक है। हजर इमाम का जो बदन मुबारक है वो भी बड़ा पाक है। सारी तमाम खुदा की क्रिएशन में मेटीरियली जितनी भी चीजें बनी हैं, उन तमाम मेटीरियल चीजों के अंदर आला से आला, सबसे अच्छी, जो प्योरेस्ट चीज जो है, जो पाक है, तो वो हजर इमाम का बदन बॉडी मुबारक है। मगर नूर और चीज है। मौलाना हजर इमाम का बदन जो है ये इंसानी फितरत के जो कायदे कानून बना रखे हैं उनके अंदर वो सब्जुगेट है। यानी इमाम का बदन पैदा भी होता है, बचपन पास करके जवान होता है, जवानी पास करके बूढ़ा होता है। इमाम के बदन को खाना भी चाहिए, आराम भी चाहिए, उसको दुख भी होता है, उसको पीड़ा भी होती है, उसको काटो तो लहू भी निकलता है, और एक दिन यह बदन गुजर भी जाता है, इसमें से जान निकल जाती है, रूह निकल जाती है। बदन जो है वो एक कपड़े की तरह है। बैतुल ख्याल जो है उसके अंदर वो हाई क्लास की चीजें जो नूर से ताल्लुक रखती हैं, जो इंसान के उस आलम से ताल्लुक रखती हैं कि जिस आलम में से हकीकत में इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ, जिसको हम आलम अरवाह कहते हैं। खुदा ताला के नामों में एक नाम है अल बारी। बारी का मतलब है आत्मा को पैदा करने वाला, क्रिएटर ऑफ द सोल्स, उसको कहते हैं बारी। खुदा के नामों में अल बारी एक नाम है, रूह को पैदा करने वाला। हमारी जो रूह है वो खुदा ताला के हुक्म से निकली, और खुदा का जो हुक्म है, खुदा का जो अमर है, वो अम्र नूर है। हमारे अंदर खुदा ताला ने बड़ी हिकमतें की। हमारे बदन के अंदर मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, और हवा, आग, पानी, मैटर से ऊपर जिसको हम सुपर मैटर कहते हैं, या जिसको हम मेटाफिजिक्स के हिसाब से लेते हैं कि भाई बियॉन्ड मैटर कुछ है, तो वो चीज भी जिसको संस्कृत जबान के अंदर, हमारे ज्ञानों के अंदर, हमारे पीरों ने उसका नाम आकाश रखा। आकाश वो चीज है कि जो तमाम मेटीरियल वस्तु से ऊंची है। इस आकाश को गैस की तरह मानो, और हकीकत में ये आकाश गैस की तरह है, ईथर की तरह है, कि ईथर गैस भी नहीं मगर गैस से सुपर भी है। तो ये जो आकाश है इसमें से खुदा ने हमारी लाइफ फोर्स बनाई, जिसको हम जीव कहते हैं। जीव में और आत्मा में फर्क है। सोल जो है वो जीव नहीं, और जीव जो है वो सोल नहीं। जीव एक फोर्स है, लाइफ फोर्स, कि जो दरख्तों के अंदर, वेजिटेशन के अंदर, घास के अंदर, जानवरों के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जीव है, जो चलते हैं। तो ये जीव इंसान के अंदर भी है। तो पीर फरमाते हैं जीवड़ो आकाशी। हमें जो आज साइंस ने बहुत सी चीजें दरियाफ्त की हैं, हमको सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पीरों ने हमें बताया हुआ है, लेकिन हमने कभी भी अपने पीरों का खजाना, तिजोरी खोल के देखा ही नहीं कि अंदर बेहिसाब दौलत पड़ी हुई है। वो तिजोरी बंद है, चाबी खीसे में है, और बाहर हम भीख मांग रहे हैं। अरे तुम तो बादशाहों से ज्यादा अमीर और दौलतमंद हो, लेकिन समझ नहीं चाबी किस तरह से फिराई जाए। फिर कहते हैं जीवड़ो आकाशी, ये तुम्हारे अंदर जो जीव है, ये जो लाइफ फोर्स है, जिसको हम जिंदगी कहते हैं, जिसको हम हयात कहते हैं, ये चीज आकाशी है, मेटीरियल नहीं। कहां से आई हमें पता नहीं, लेकिन मैटर नहीं है,
ये सुपर मैटर है। तो इसके अंदर हमारा जीव है, ये जीव मां के पेट में स्पर्म की शक्ल में दाखिल होता है और मां के खून से इसको परवरिश मिलती है और ये बड़ा होता है। इसके हाड़ पांव निकलते हैं। इसके अंदर खुदा ने तमाम एक ब्लूप्रिंट लिख के उस स्पर्मेटोजा के अंदर जो इंसान की बॉडी बनती है उसमें उसकी नाखून की शेप क्या होगी, बदन पे बाल कितने होंगे, आंखों का रंग क्या होगा, बदन के तमाम जितने भी उसके भाग हैं, उसके लिम्ब्स हैं, अवयवियों हैं, उनकी तमाम की साइज कितनी होगी, और ये बच्चा जब जवान होगा तो इसकी हाइट कितनी होगी और इसका वजन कितना होगा, ये तमाम चीजें उस जर्म के अंदर है कि जो मां के पेट में कंसीव होता है। खुदा ताला की हिकमतों को जब हम देखते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो खुदा की अजमत, उसकी बड़ाई, उसकी ताकत, उसकी अक्ल, उसकी इंटेलिजेंस, हम सोच के हैरान होते हैं। ओह, खुदा ताला ऐसे कमालात करता है। सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश का आप ख्याल कर लो कि किस तरीके से खुदा इस बूंद में से, लहू की एक बूंद में से इंसान बनाता है, इंटेलिजेंस देता है। जीव तो है, 16 महीने मां के पेट में होते हैं तो खुदा उसके बदन के अंदर रूह उतारता है। जीव तो पहले से है, अगर जीव ना होवे तो बच्चा कंसीव हो ही नहीं सकता। लेकिन ये ही बच्चा, ये जो एम्ब्रियो है, 16 वीक जब होते हैं तो इसमें आत्मा उतरती है, रूह आती है, और उसकी निशानी ये है कि वो बच्चा जो अभी तक एक मुर्दे की शक्ल में था, यानी मुर्दा था नहीं, मगर कुछ भी उसके अंदर हिलचाल कोई चीज नहीं थी, इंटरनल डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन जिस दिन रूह दाखिल होती है तो हार्ट की बीट शुरू होती है और ये हार्ट की बीट हामिला मां को महसूस होती है कि अभी हार्ट बीट शुरू हो गया। मां के कान उसको फील करते हैं। जब फर्स्ट हार्ट बीट शुरू होती है वो टाइम है कि उसके अंदर आत्मा आवे। ये चीजें गिनान में लिखी हुई हैं। आत्मा क्या है? आत्मा खुदा ताला के नूर में से है। आत्मा एक नूरानी चीज है, लेकिन वो 16 वीक तक ठहरती है। इस बच्चे को 16 वीक हो जाते हैं, पर 16 वीक ठहरने की जरूरत क्या? इसलिए कि बच्चे का जो ब्रेन है वो इतना डेवलप हो जाए कि उसमें इंटेलिजेंस का सीड आ जावे, इंटेलिजेंस का, अक्ल का, बुद्धि का सीड आ जावे। बुद्धि की जो न्यूक्लियस है वो उसके ब्रेन के अंदर जब भी आ जावे तो फिर आत्मा उतरती है। क्यों? जीव का मकान हार्ट है, लेकिन आत्मा के रहने की जगह इंसान की अक्ल है, बुद्धि है। जीव और आत्मा का जो ताल्लुक है वो थ्रू माइंड है। इस माइंड को हमारे गिनानों में मन कहा। इस मन के अंदर खुदा ने बड़ी पावर रखी। मन बहुत ताकत वाला है। खुदा की जितनी भी क्रिएशन है, आसमानों में, जमीनों में, यहां भी, ऊपर भी, खुदा की बेस्ट क्रिएशन जो है वो ह्यूमन ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर इंटेलिजेंस है, इस इंटेलिजेंस के अंदर आत्मा है। देखो, मैंने आपको अर्ज की, हमारे बदन में मिट्टी भी है, पानी है, हवा है, आग है, आकाश है, और उसके साथ साथ नूर है। आत्मा जो है वो नूर है, लेकिन फिर मैटर, सुपर मैटर और नूर के बीच में एक और स्टेज है। इस स्टेज को हम अक्ल कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। ये जो अक्ल है बड़ी आला दर्जे की चीज है। आज दुनिया में जो कुछ होता है अक्ल से होता है। खुदा ने बहुत ही कमाल किए हुए हैं, मगर याद रखो दीनदारों, इससे भी ऊपर की चीजें हैं। दुनिया में 5 बिलियन आदमी हैं, सबके पास एक सरीखी अक्ल नहीं, सबकी अक्ल जुदी जुदी है। दुनिया के अंदर
खुदा ताला ने ऐसी चीजें रखी हैं कि अगर स्टडी की जाए, ख्याल किया जाए, तो हमें पता लगता है खुदा ताला कितना बड़ा है। हज़रत इमाम फरमाते हैं, तुम अल्लाह का ख्याल करो और ये ब्रह्मांड यानी सारी क्रिएशन यूनिवर्स का ख्याल करो, तो वो उससे बियॉन्ड है। एक नहीं, 10 यूनिवर्स का ख्याल करो, 100 का करो, 1000 का करो, 2000 यूनिवर्सेस का ख्याल करो, हज़रत इमाम फरमाया वो फिर भी उससे ऊंचा है, बियॉन्ड है उससे। ये चीजें हमें अक्ल से, आत्मा की शक्ति अक्ल के साथ है, उससे हमें पता लगता है, अक्ल डेवलप की जा सकती है इबादत के थ्रू से। बिल्कुल जाहिल आदमी के जो पढ़ा लिखा नहीं, उसको बिल्कुल लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, कभी स्कूल नहीं गया, मगर इबादत करके वो आगे पीछे की सब बातें जान सकता है। इबादत करके बदन इधर है लेकिन अपनी रूह को निकाल के चांद तक पहुंचता है। बदन इधर है वो सूरज के नजदीक भी जाता है और जलता नहीं, क्योंकि मैटर है ही नहीं कि सूरज उसको जला सके, वो तो रूहानी हिसाब में जाता है, सूरज के अंदर घुसता है और सूरज के अंदर क्या हो रहा है वो देखता है। बदन यहां पड़ा है, एक सिल्वर कॉर्ड जो है लाइफ जारी रखने के लिए, उस आत्मा और इस बदन के अंदर जो जीव है उसमें एक कॉर्ड है, ये लिंक चालू रहती है, इस लिंक की कोई हद नहीं। अगर 10 लाख या 10 करोड़ या 10 बिलियन माइल्स जाना है तो भी ये लिंक चलती रहेगी, और ये आदमी दूसरी दुनियाओं की सैर करके वापस आ सकता है। यही मेराज थी रसूल पाक को, कि 7 आसमान और उसके बाद 10वें आसमान तक गए। 7 आसमान और 10 आसमान, 7 आसमान तो ये कि हमारी इस सोलर सिस्टम के जो बड़े बड़े 7 प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स की सैर की भले साइंस को पता नहीं, किसी दिन आएगा कि साइंस ढूंढ लेगी, जैसे कि 900 बरस पहले पी शमस ने एटम बम का जिक्र किया है। 900 बरस पहले उस वक्त कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ था कि जिसने कभी ये ख्याल किया होवे कि एटम बम बनेगा। 100 बरस पहले भी किसी साइंटिस्ट को ख्याल नहीं था, लेकिन हमारे विज्ञान के अंदर पी शमस ने अणु ना गोला पड़ से, अणु कहते हैं एटम को, गोला कहते हैं गोले को, बम को। हमारे पीरों ने बहुत सी हिकमतें लिखी हैं, हमको गिनानों में से पता लगता है कि ये तमाम जो प्लैनेट्स हैं, पर्टिकुलरली 7 प्लैनेट्स, इसमें लाइफ है, भले वो लाइफ प्रिमिटिव स्टेज में होवे, जैसे कि बैक्टीरिया हमको आंख से नहीं दिखते, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए और पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। मैंने खुद ने ऐसा बहुत सी अपनी एजुकेशन के टाइम के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम में बैक्टीरिया देखे हैं कि जो 5000 गुना बड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप होवे तब हम उसका हाल देखते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं, जुदे जुदे उसके रंग देखते हैं, उसकी चाल देखते हैं, आदमी हैरान होता है। तो बैक्टीरिया हमें नजर नहीं आते मगर वो लिविंग थिंग्स हैं। इसी तरह से हमारे बदन के जो सेल्स हैं वो हमें नहीं दिखते, कभी ऐसा हाथ फिरा दो जोर से तो हजारों सेल्स निकल जाते हैं हमारे हाथ में से, हालांकि हमें कुछ नजर नहीं आता। तो इस तरह से इन प्लैनेट्स के अंदर लाइफ है, यह लाइफ कभी किसी दिन डेवलप होगी। और हमको यह भी कहा गया कि सिर्फ इस जमीन के ऊपर ही लाइफ नहीं, खुदा ताला का ये जो यूनिवर्स है इतना बड़ा है, बहुत से ठिकाने लाइफ है, अलग अलग शक्लों में है, हमारे जैसी नहीं, हमारे से कम भी है, हमारे से ज्यादा भी है। ये हकीकतें हमें अपनी इबादत में से मिलती हैं, और हमारे पीरों ने इबादत की। पीर तो इमाम की फैमिली में से ही होते हैं, हजर इमाम की फैमिली के बाहर पीरी जौमा किसी को नहीं मिलता, इसलिए पीर जो हैं वो आले रसूल हैं, उनके अंदर नबुवत का नूर है। और पीर
एक्चुअली हमारा मुर्शिद है वो पीर है, इमाम है वो अल्लाह का नूर है, पीर है वो नबी का नूर है। पीर हमको इमाम की शनाख्त बताता है। ये जो बैतुल ख्याल का बोल आज हम हजरत इमाम के पास जाके लेते हैं, इमाम बोल नहीं दिया करता, बोल का देना पीर का काम है, लेकिन हजरत इमाम पीर भी है शाह भी है। हसन अली शाह माँ बाप के जमाने में पीरी जोमा अली शाह के पास था, तो बैतुल ख्याल का काम अली शाह करते थे, मौलाना हसन अली शाह नहीं करते थे। अली शाह माँ बाप जब इमाम बने तो पीरी जोमा अपने बेटे शाहबुद्दीन शाह को दिया, तो अली शाह माँ बाप बैतुल ख्याल का काम नहीं करते थे, पीर शाहबुद्दीन शाह करते थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने पीरी जोमा और साहिबी जोमा दोनों अपने पास रखे, इसलिए वो बैतुल ख्याल का काम करते थे। आज हजरत इमाम के पास भी पीरी जोमा भी है साहिबी जोमा भी है, इसलिए हजरत इमाम जब हमको बोल देने के लिए आते हैं तो वो उस वक्त पीरी ज्योत में होता है, लेकिन इमाम की ज्योत साथ होती है, पीर की ज्योत अकेली कभी नहीं होती, इमाम की ज्योत हमेशा साथ होती है, लेकिन काम पीर करता है, हिदायत पीर करता है, दौरवनी पीर देता है, वाजे पीर करता है, हमको खाना पीना उठना बैठना जो कुछ भी है, दुनिया में किस तरह चलना दीन में किस तरह चलना ये पीर सिखाता है, जैसे कि हमारे सामने गिनान पड़े हुए हैं। और इमाम के जोमे में आके बैठ जाए, दीनदारों हमारी ताकत नहीं कि हम मूव भी हो सके, हम आंख भी फिराने की ताकत नहीं रखते, उसका तेज उसका दर्जा उसका मर्तबा उसकी जो ग्लोरी है हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए इमाम कभी भी अकेला इमामत की ज्योत में एक जमात में नहीं आता, हमारी ताकत नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम पीर थे, मूसा नबी पीर थे, क्योंकि नबूवत का जो दर्जा है वही पीरी दर्जा है। लोगों ने पूछा, या नबी आपने अल्लाह को देखा है? अब मूसा नबी जो इनको कहे कि हाँ देखा है, क्योंकि वो तो नबी है ना, तो नबी तो अल्लाह के नूर से एक होते हैं, और अगर जो मूसा अलैहिस्सलाम कहें कि हाँ मैंने देखा है, तो वो पूछेंगे फिर वो कैसा है कहाँ है, बहुत सी बातें करेंगे, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद को अरब पूछते थे, या नबी अल्लाह क्या है? अभी हुजूर को जवाब तो आता था, लेकिन सोच में पड़े कि मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, क्योंकि इनकी अकलों में इतनी ताकत नहीं कि वो समझ सके। तो हुजूर खामोश हुए तो वही नाजिल हुई, ऐ मोहम्मद इनको कहो अल्लाह जो है वो जमीन और आसमानों का नूर है, अल्लाह जो है वो जमीन आसमानों का नूर है, और उसकी एग्जाम्पल ये है कि दीवार के अंदर कोई ऐसा गोखला हुए, पुराने जमाने के अंदर इलेक्ट्रिक बत्तियां तो नहीं थी ना, तो तेल की बत्ती जला के दीवार के अंदर जिस तरह ऐसा कोई थोड़ा सा जगह हो गए वहां वहां उसको रख देते थे ताकि सब जगह उसकी रोशनी पहुंचे, इसको गोखला कहते हैं। वहां एक लैंप पड़ा होता है, लैंप के ऊपर एक कवर डालते हैं कांच का ताकि हवा लगने से लैंप बुझ ना जाए। तो खुदा ताला ने मिसाल दी है, पहले फरमाया अल्लाह जो है जमीन आसमानों का नूर है, और फिर फरमाया उसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि जैसे दीवार के इस गोखले में एक लैंप पड़ा होवे, इस लैंप के ऊपर एक कांच का कवर होवे, और लैंप के अंदर रोशनी जलती है, उसके अंदर जो तेल है वो तेल जलता है, लेकिन वो तेल मामूली नहीं, वो तेल ऐसे झाड़ का तेल है कि ना ईस्ट का है ना वेस्ट का है, और जब वो जलता है तो उसको कोई दिया सलाई से बत्ती से जलाया नहीं गया, यानी बाहर की आग से लैंप को जलाया नहीं गया, लैंप बुझ जाता है
तो हम माचिस लेके उसको जलाते हैं, तो अल्लाह कहता है कि इसकी ये जो लैंप जलता है, इस लैंप को किसी बाहर की आग ने अड़ा नहीं, खुद ब खुद जलता है, और उसकी जो रोशनी है उस कांच में से निकल के जगमगाती है सितारों की तरह, बहुत उजाली वाली है, और उसका तेज ऐसा है नूरुन अला नूर, उसमें से रोशनी निकलती ही रहती है, कभी खत्म नहीं होती। ऐसी मुगम तरीके से खुदा ने अपने नूर की हकीकत बयान की, जो अकल वाले थे, जो इबादत वाले थे, रसूल अकरम के पास बैठ के हिदायत पाया करते थे, उन्होंने इस आयतों से बहुत मजा उठाया और उनको पता लगा। किसी ऐसी महफिल के अंदर रसूल अकरम को पूछा गया, या नबी ये रूह क्या है, तो हुजूर फिर खामोश रहे कि मैं इनको किस तरह समझाऊं, और अल्लाह का हुक्म का इंतजार किया तो वही नाजिल हुई, ऐ मोहम्मद इनको कहो अर्रूह मिन अम्रे रब्बी, जो रूह है वो मेरे रब के हुक्म से है, क्योंकि रूह को समझने की ताकत नहीं, जीव को समझने की ताकत नहीं, इन अरबों के अंदर जाहिल थे, कठोर थे, वाइल्ड थे, उनको ये सटल चीजें नहीं समझाई जा सकती, मगर उन लोगों के अंदर जो आला किस्म के समझदार इंटेलिजेंट लोग थे, उनको रसूल अकरम दरवाजा बंद करके इबादत सिखाया करते थे, नियाज निकाल के पिलाया करते थे, खजूरों में से अपने हाथ से गुठली जो है अंदर के स्टोन, रसूल अकरम खुद अपने हाथ से वो स्टोन जुदा करे और बाकी खजूर रह जावे तो हाथ से उसको मसल मसल के सीरे की तरह बना के ये सुकृत के तौर पे दिया करते थे। नबी करीम की वो तमाम बातें आज हमारे पास हैं, मुसलमान भूल गए, उन्होंने इमाम भी छोड़ दिया, मोहम्मद का नाम रखा बाकी मोहम्मद की चीजें भी छोड़ दी, वो इबादत की चीजें थी जो नबी दरवाजा बंद करके जैद बिन अरकम के घर के अंदर स्टार्टिंग में मदीने के आने से पहले मक्का में शुरू करते थे, और उसमें 40 आदमी से ज्यादा नहीं थे। दीनदारों, हमारा जो मजहब इस्माइली तरीका है, ये दीन इस्लाम में सबसे ऊंचा आला तरीका है कि जो खुद रसूलुल्लाह के जमाने में था, क्योंकि रसूलुल्लाह पीर थे, हमको सिखाया करते थे, और उसमें से ये नबी के बाद हजरत अली के जमाने में इमाम हसन पीर थे, इस तरह ये पीरी सिलसिला और इमामत का साहिबी सिलसिला साथ साथ चलता रहा। जमाना आ गया और इमाम मालिक है, वो बेहतर जानता है इस दो जौमे के अंदर, मौलाना सुल्तान मोहम्मद के और मौलाना शाह करीम के, दोनों जौमे में पीरी और साहिबी जौमा दोनों साथ हो गए। इमाम जब हमें बोल देता है तो पीर कहते हैं ये बोल तुम्हारा पीर है, तुम्हारा पीर है वो बोल है। मैंने आपको अर्ज की कि पीर हमें सब कुछ सिखाता है, अब ये कहा गया कि ये बोल तुम्हारा पीर है, तो पीर यानी ये बोल, आप जब इबादत करोगे तो ये बैतुल ख्याल का बोल आपको अंदर से सब कुछ सिखाएगा, आपके अंदर के दरवाजे, अंदर की लाइब्रेरी खुल जाएगी, आपको वो इल्म मिलेगा जो किताबों में नहीं मिलता, आपको वो समझ आएगी कि जो कोई बता नहीं सकता, बैतुल ख्याल के इस बोल में से वो चीजें मिलेंगी कि जबान की ताकत नहीं का बयान कर सके या किसी को समझा सके। मौलाना हजरत इमाम सलवातुल्लाह अलैह एक दफा बंबई आए और बैतुल ख्याल का बोल देने से पहले मौला ने खड़े होकर फरमान किए, उसके अंदर मौला ने लंबे फरमान है, मगर जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मौला ने फरमाया कि जब तुम बराबर कंसंट्रेशन करोगे, जब तुम इस बोल के ऊपर बराबर ध्यान लगाओगे और तुम अपने दिल के अंदर क्रेविंग करो उस चीज की पाने की, तुम्हारे दिल के अंदर इच्छा और ख्वाहिश होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए, जैसे कि
ये हजर इमाम के शब्द नहीं, मैं समझाने के लिए कहता हूं कि जैसे कि आदमी को भूख लगती है तो वो खाने की तलब करता है, प्यास लगती है तो पानी पीने की तलब करती है, तो माँ बाप ने ये कहे कि तुम्हारे अंदर क्रेविंग होनी चाहिए, तो क्रेविंग के शब्द को मैंने आपको समझाया भूख प्यास के तौर पे, माँ बाप फरमाया तुम्हारे अंदर उसकी तलब होनी चाहिए, क्रेविंग होनी चाहिए। तो फिर किसी न किसी दिन वो मौला किसी वक्त मेहरबान हो जाएगा तो तुम्हें बख्शीश देगा। मौला फरमाया कि जब तुम्हें बख्शीश मिलेगी तो तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये बख्शीश भला क्या है, तुमको उसकी समझ भी दी जाएगी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। और अगर तुम किसी से पूछ रहे हो तो उसका मतलब यह है कि तुमको कुछ मिला नहीं, खाली गपबाजी है। बहुत से लोग ऐसा कभी कभी मिशनरियों को वाइजीन को पूछते हैं, भला हमको ऐसा होता है, भला हमको ऐसा होता है, तो मैं कहता हूं माँ बहन भाई कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे ख्यालात हैं। क्योंकि इमाम यह फरमाता है और हकीकत भी यही है कि बैतुल ख्याल का जो बोल है वो हमारा गुरु है, यही हमारा मुर्शिद और पीर है। जब ये बोलेगा, इसका नाम अजप्या जाप क्यों रखा कि जीभ के बगैर इसका जाप करो। जाप कहते हैं अरबी जबान के अंदर तस्बीह करने के लिए, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये जाप है, इसको अरबी में तस्बीह कहते हैं। लेकिन ये अजप्या जाप है कि जिसको जबान से नहीं जपा जा सकता, मन से जपा जाता है। तो ये मन से जब ही जपा जाता है तो इसको इसमें आजम को उस मन की जबान से जब याद किया जाता है तो ये इसमें आजम हमारे मन के अंदर जहां से ख्यालात और जहां से शब्द, जहां से इन्फॉर्मेशन, जहां से नॉलेज शुरू होती है और वहां उस मुकाम को टच करता है तो अंदर हमको सारी नॉलेज मिलती है, हमको वो चीजें दिखती हैं, हमको वो चीजें सुनाई देती हैं, हमको उन चीजों की समझ आती है कि जो हमने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी समझी नहीं। और इंसान हैरान होता है और खुशी होता है, मौला ने मुझको ये बताया, वो अंदर से निकलता है। सत शब्द है गुरु हमारा, सत शब्द है गुरु हमारा, ताको लेखे ना ये संसार। आप लोग पढ़ते हो ताको लखे ना ये संसार, लखे नहीं है, ताको लेखे ना ये संसार, यानी संसार इसको लेखता नहीं, मतलब के समझता नहीं, जानता नहीं, कदर नहीं करता उसकी। ये गुरु है, इसमें आजम हमारा पीर है, इसमें आजम हमारा मुर्शिद है। जिस तरह जाहिर में पीर हमको इमाम की शनाख्त देता है, इस तरह ये इसमें आजम अंदर हमको इमाम के नूर की शनाख्त देता है और हमको पकड़ के इमाम के नूर के पास ले जाता है। इमाम का नूर हमारे अंदर है, जो हमारे आत्मा है, ये जो रूह है, ये इमाम के हुक्म से हमारे अंदर मौजूद है। क्योंकि अगर इमाम अपनी नूरी हालत में कहीं नहीं तो कुछ नहीं। ये जो कुछ भी लकड़ी, दरख्त, पहाड़, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, जो कुछ ही आपको दिखता है ना, वो उसके नूर की वजह से दिखता है, वगरना नहीं दिख सके। जिस तरह बाहर की चीजें उसके नूर की वजह से दिखती हैं और उसके नूर की वजह से ये सब कुछ एग्जिस्ट होती हैं, इसी तरह से दिनदारों हमारे अंदर भी उसके नूर की वजह से ही एग्जिस्टेंस होती है, और वो है आत्मा की वजह से। अभी आत्मा क्या है, रूह क्या है, ये इसमें आजम हमको वो समझाता है और अंदर की आंखें फिर खुल जाती हैं, तो इंसान को सब इल्म ज्ञान मिलता है। फिर कहते हैं जब भी मौला के घर जाओ या जमात खाने या अपने घट के अंदर, हमारा घट मौला का घर है। नबी करीम फरमाते हैं कि कल्ब मोमिनीन अर्शुल्ला, मोमनों का जो कल्ब है, अंतकरण है, वो खुदा ताला के बैठने का तख्त है।
एक और जगह नबी करीम फरमाते हैं, मेरे को अल्लाह ने कहा जमीन आसमान में मैं समा नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना बड़ा है कि जमीन आसमान में समाया नहीं जाता। जैसे कि एक गैलन का एक कोई बर्तन होवे या एक बकेट होवे, एक गैलन की आप उसके अंदर 2 गैलन पानी नहीं समा सकते, उसकी कैपेसिटी नहीं। तो अल्लाह कहता है कि आसमानों जमीनों में मैं समा नहीं सकता, मैं इतना बड़ा हूं, सारी क्रिएशन में मैं समा नहीं सकता, लेकिन मोमन के दिल में समा जाता हूं। ये एक अजीब की बात है। मुझे ढूंढना चाहते हो, मोमन के दिल में ढूंढो। मौलाना रूम ने इस हदीस को अपनी मसनवी में बयान किया है। मौलाना रूम कहते हैं, गुफ्त पैगंबर के हक फरमूदे अस्त, मन गंजुम दरमियां बाला उपस्त, दर दिले मोमन बगंजुम ई अजब, गर मरा खाही अजा दिल हाथ अलब। मैंने आपको तर्जुमा पहले से सुना दिया। तो मौला जो है वो मोमन के दिल में समा जाता है, और इस तरह समाता है, इस तरह समा जाता है कि इंसान का सिर से पांव तक सारा बदन, के जिसके अंदर 3.5 करोड़ पोर्स हैं। हमारे बदन में पोर्स कितने हैं? 500, 700, 800 बरस पहले हमारे पीरों ने उसका हिसाब करके हमको बताया। पीरों ने गिना नहीं, मगर वो तो पीर है ना, पीर भी नूर है, नबी का नूर है, और नबी का नूर ही क्रिएटर है, तो उनको तो पता है। अभी तक अभी इतनी साइंस बढ़ गई, साइंटिस्टों ने हमको कभी नहीं कहा कि हमारे बदन पे 35 मिलियन पोर्स हैं, कभी नहीं कहा। गिनानों में है कि 3.5 करोड़ रुआठे हैं हमारे। तो जब इमाम हमारे बदन में समा जाता है, जब वो महबूब, वो हमारा माशूक हमारे बदन में मिक्स होता है, तो इस तरह मिक्स होता है कि जैसे पीर कहते हैं, दूध में गिरत पिछाणू, दूध के अंदर घी कैसे समाया हुआ है? घी का रंग नहीं दिखता, घी की बास भी नहीं आती, घी का टेस्ट भी नहीं मिलता दूध पीने से। दूध सफेद है, घी जो होता है वो जरा डार्क होता है, स्लाइटली येलो होता है, क्रीमी कलर का होता है, घी की बास भी जुदी है। ये घी दूध में समाया हुआ है। फिर कहते हैं, जिस तरह घी दूध में समाया है, ऐसा मौला तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। जाहिर में दूध दिखता है, टेस्ट में भी दूध के स्वाद आता है, लेकिन जब भी हम दूध को गर्म करते हैं, जब भी हम दूध के इंग्रेडिएंट्स को जलाते हैं गर्मी से, तो उसके अंदर से, दूध के इंग्रेडिएंट्स के अंदर से पसीना निकलता है। गर्मी से वो पिघलते हैं, अपनी असलियत छोड़ के दूसरी असलियत पे आते हैं, और उसके अंदर फिर छोटे छोटे जर्रात आते हैं। ये जो जर्रात हैं ये क्रीम के हैं, यानी ऊपर मलाई आ जाती है। अब देखो, मलाई नीचे नहीं रहती, मलाई ऊपर तर आती है और लाइट हो जाती है, और बाकी जो दूध है, दूध के अंदर से ये मलाई निकल जाती है, तो दूध का जायका भी बदल जाता है, दूध का रंग भी बदलता है थोड़ा सा, दूध की ताकत में फर्क पड़ जाता है। अब इस मलाई को फिर गर्म करो तो घी बन जाता है। इस तरह से हमारी ये कसनी कमानी है बैतुल ख्याल की इबादत। मौला को याद करते रहो, मौला के इश्क में गर्म होते रहो, मौला की मोहब्बत में गर्मी चढ़ेगी, इस गर्मी के अंदर आपको जोश आएगा, आपका ईमान बढ़ता जाएगा, ईमान बढ़ते बढ़ते मोहब्बत हो जाएगी, ये मोहब्बत इश्क बन जाएगा। इश्क जो है वो आग है, इश्क अपने सिवा बाकी सब चीज को जला देती है, इश्क कोई दूसरी चीज को रखने नहीं देती। ये इश्क जो है ना, ये मलाई है। अब इस मलाई को फिर गर्म करो तो ये घी बनेगा, और ये इबादत का उसूल है, इबादत की बैठक है। जब वो मौला खुश होता है तब वो बख्शीशें देता है। इस साजन के घर जाओ, उसकी मुलाकात करने के लिए जाओ, किसी को साथ मत ले जाओ, तमाम विचार ख्यालात को बंद कर दो, सिर्फ बैतुल ख्याल का बोल और कोई चीज बाकी हमारे पास ना होवे, और आगे पीछे की सब चीजें छोड़ दो। जो कुछ कर दिया कर दिया है, अब आगे देखो कि क्या होता है। और फिर वो मौला
आपको दूर बताएगा। फिर कहते हैं कि जिन सूरज उगे दर्शन पानी है, जिस तरह सूरज उगता है, सूरज निकलने से पहले क्या होता है, अंधेरा दूर होता है। ईस्ट में जाके किसी दिन सुबह के वक्त आप देखो, ईस्ट में अंधेरा है, इंतजार करो इंतजार करो, आहिस्ता आहिस्ता एक व्हाइट लाइन आएगी होराइजन के ऊपर और जो अंधेरा है वो फट जाएगा, और अंधेरा हटता जाएगा लाइट बढ़ती जाएगी। ये लाइट बड़ी धीमी लाइट ब्लूश होती है, मगर थोड़े टाइम के बाद इसमें पीलास आती है, येलो कलर हो जाता है। ये येलो कलर बढ़ते बढ़ते लाल होता है, रेड हो जाता है। जब ये रेड कलर होता है उसके बाद फिर आहिस्ता से सूरज निकलता है और वो सूरज भी रेड होता है, मगर जैसे जैसे ये ऊंचा आता है और पर्दे होराइजन में से हटते हैं, एटमॉस्फेयर एक पर्दा हट जाता है, और जब वो सारा बाहर आता है तो आंख में ताकत नहीं कि हम उस सूरज को देख सके। फिर कहते हैं इसी तरह तुम्हारे दिल के अंदर पहले अंधेरा दूर होएगा, फिर हल्की सी लाइट आएगी, अंधेरा इग्नोरेंस का दूर हो जाएगा, गुनाहों का अंधेरा दूर हो जाएगा, तुम्हारी सुस्ती गफलत का अंधेरा दूर हो जाएगा, और फिर उसमें जो लाइट होगी ना वो अक्ल और इंटेलिजेंस की समझ की लाइट आएगी। ये लाइट बढ़ते बढ़ते दोस्ती और मोहब्बत पैदा करेगी, ये मोहब्बत गर्म हो जाएगी, लाल हो जाएगी, और जब ये मोहब्बत एकदम लाल हो जाएगी, चारों तरफ लालस हो गई है, तो फिर अंदर से वो सूरज निकलेगा, इमाम का नूर तुम्हारे दिल के अंदर जाहिर होगा कि जिसको देखने की तुम्हारी आंख की ताकत नहीं, और तुम उस पर बेहोश हो जाओगे जिस तरह मूसा नबी बेहोश हो गए। मौला की इबादत करो दीनदारों। सब्जेक्ट तो ऐसा ले लिया मैंने कि मैं बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी भान आया, मालूम नहीं कितना टाइम हो गया, घड़ी सामने निकाल के रखी मगर दिखी ही नहीं। मौला आपको सुखी आबाद करे, इबादत की तौफीक देवे, मौला अपनी मोहब्बत देवे, मौला ईमान को रोशन करे, मौला फरमान बरदार मोमन बनाए, तमाम बदियों बुराइयों शैतान के फरेब से बचावे, मौला नहाज़र इमाम आपके ऊपर राजी होवे, मौला आपको इबादत की तौफीक देवे, दिन और दुनिया के अंदर अपनी छतर छाया में, अपनी खुशियों में, अपनी नवाजिशों में, अपनी बरकतों में और अपनी नियामतों में रखे, मौला आपको जहर बातुन में नूर अता करे।